नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विद जेके। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो फास्ट फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड, जिनको कि आजकल के बच्चे, युवा, यहाँ तक के बुजुर्ग बहुत पसंद करते हैं, इन पैक्ड फूड के बारे में यदि आप इनकी हकीकत जान जाएंगे कि हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है और कितने नुकसानदायक, तो शायद आप भी इनको खाने के इच्छुक नहीं रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए पैक्ड फूड जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, फ़ायदा इनसे 1% भी नहीं रहता। ये इनमें जो प्रिजर्वेटिव केमिकल्स मिला होता है ये इनको 6 महीने से और 1 साल 2 साल तक सुरक्षित रखने के लिए मिलाया जाता है। तो इनके सुरक्षित रखने के लिए तो केमिकल्स रहते हैं, लेकिन यही केमिकल्स हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदायक हैं शायद आप नहीं जानते। यदि आज जान जाएंगे, हमारा वीडियो देखेंगे, तो उनके बारे में जान जाएंगे और आपकी इच्छा पैक्ड फूड खाने की नहीं होगी। हम जो भी खाते हैं वो मुँह के द्वारा हमारे आँतों में जाता है, पेट में जाता है, स्टमक में, फिर आँतों में जाता है, फिर लीवर में जाता है, फिर हार्ट में जाता है, फिर लंग्स में जाता है और ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ब्रेन तक ये पहुंचता है। तो इस तरह ये हमारे सर से लेके पांव तक ये हमको नुकसान पहुंचाता है। इनमें जो केमिकल होते हैं वो माइग्रेन और नज़र की कमजोरी से लेके कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, मोटापा, स्टोन और यूरिक एसिड का बढ़ना, हार्ट अटैक, एलर्जी, अस्थमा, हाइपर सेंसिटिविटी बॉडी की और कई तरह के नुकसान हमारे शरीर को पहुंचाते हैं। इसलिए इनको खाने से पहले हमें ज़रूर सोचना चाहिए। इनमें जो केमिकल होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। इसमें सबसे पहला प्रिजर्वेटिव केमिकल जो होता है वो होता है पोटेशियम ब्रोमेड। पोटेशियम ब्रोमेड मतलब जो मैं ये प्रिजर्वेटिव केमिकल्स बता रहा हूँ, आप कोई भी पैक्ड फूड लेते हैं तो ज़रूर देख लें कि ये केमिकल्स इसमें मिले हैं कि नहीं मिले हैं। यदि मिले हैं तो कोशिश करिए कि ना लें, तभी बेहतर है। क्योंकि यदि आपके बच्चे ज़िद करते हैं खाने के लिए तो आप घर का बना, घर में चिप्स बनवा लीजिए, घर का बना मटेरियल खिलाइए, लेकिन पैक्ड फूड ना खिलाइए। इसमें सबसे पहला केमिकल जो होता है वो है पोटेशियम ब्रोमेड। पोटेशियम ब्रोमेड यदि हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा पहुंच जाए तो कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी हो सकती है। दूसरा है सोडियम बेंजोइड। सोडियम बेंजोइड जो है ये क्या होता है, ये भी कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि ज़रूरत से ज़्यादा हमारी बॉडी में पहुंच जाए तो सोडियम बेंजोइड कैंसर का कारक बन सकता है। तीसरा है ट्रांसफैट। ट्रांसफैट क्या है, वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन मिलाने से इसका निर्माण होता है। ये क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है यानी अनयूजुअल कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में पैदा करता है। इससे क्या होता है कि हमारी आर्टरीज सकरी हो जाती हैं और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक तथा शुगर। इसके बाद फ्रक्टोज कॉर्न शुगर होता है जो कि शक्कर से 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है। तो अब सोचिए इतना मीठा कैसे हमारा शरीर पचा पाएगा, तो शुगर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फिर पचमा क्या हो गया, एस्पर्टेन। यदि इसकी मात्रा ज़्यादा हो तो माइग्रेन और नज़र की कमजोरी जैसी दिक्कतें हमको हो सकती है। इसके बाद छठवां आता है, कौन सा आता है, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, अस्थमा क्रिएट कर सकता है, अस्थमा के चांसेस बढ़ा सकता है, सांस की दिक्कत हो सकती है। इसके बाद सातवां आता है प्रोपाइल गैलेट। प्रोपाइल गैलेट क्या होता है, ये पेट के कैंसर के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है।
आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल कलर जो हैं वो खाने को बेहतरीन कलर दे देते हैं, जैसे मिठाइयाँ हो गई बाज़ार में जो मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की चीज़ें हो गई जो देखने में तो बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं, एलर्जी की कंडीशन पैदा कर सकते हैं, अस्थमा की कंडीशन पैदा कर सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी भी पैक्ड फूड में देखें कि पोटेशियम ब्रोमेट, सोडियम बेंजोइट, ट्रांस फैट तथा फ्रक्टोज, एस्पार्टेम, सोडियम नाइट्रेट, प्रोपाइल गैलेट, आर्टिफिशियल कलर, इतने प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं, तो बिल्कुल आप वो फूड ना लें और कोशिश करें कि उनसे दूर ही रहें, नहीं तो निश्चित ही आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इनमें प्रोटीन और मिनरल नाम मात्र का नहीं होता, इनमें एक्स्ट्रा कैलोरीज बस होती हैं जो कि हमारे शरीर को जितना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा होती हैं, और एक्स्ट्रा कैलोरी होने की वजह से ये पचता भी बहुत देरी से है। इस तरह यदि हमारे वीडियो को आप देख के आपके समझ में आया है तो आप लोगों से निवेदन है कि पैक्ड फूड से दूरी बना के रखें अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आपको बहुत इच्छा होती तो आप घर का खाना खाएं, घर में चिप्स बनवा लीजिए, लेकिन ये बाज़ार की चीज़ें ना खाइए, तथा बच्चों को भी इससे दूर रखिए, क्योंकि फ्यूचर में यदि इनको खाते रहे, इनकी मात्रा ज़्यादा हुई, तो निश्चित है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार होंगे, और महंगी महंगी बीमारियों का। आशा है मेरा वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, इसलिए यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।